So hey guys, this is me SKD from Adventurer and welcome back to our channel. So mujhe pata nahi ye kitne jan ne click kiya hoga ye video, and technically I don't even care about it. The main reason of me making this video is for something else. Agar aapne crash ke wajah se ye video click kiya hai to sorry, yahan par crash ka koi video nahi hai, par if you are a real bike lover, I think this is something you should know. So Paulo Goncalves died yesterday in a bike crash in Dakar Rally. It's with a heavy heart that we begin with the tragic news that Paulo Goncalves has died after crashing at kilometer 273 of today's seventh stage. Ab Dakar Rally bahut jano ko pata nahi hoga. So Dakar Rally is the world's toughest race. It's kind of off-road enduro race. Matlab ye MotoGP type ka nahi hai jo street मतलब ट्रैक में जो रेस होता है वो ऐसे टाइप का नहीं है. डकार आप चेक कर सकते हैं, मैंने पावर ड्रिफ्ट का वीडियो भी एक डिस्क्रिप्शन में डाला है तो आप वो चेक कर सकते हैं. उसमें आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और वीडियो देख के आपको मज़ा भी आएगा कि एक्चुअली डकार क्या होता है. सो आई हैव बीन फॉलोइंग डकार सिंस 2019 एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट इट क्योंकि मुझे खुद ऑफ रोडिंग बहुत पसंद है. एंड फिर मैंने इंडिया में सर्च किया रैली के बारे में एंड टू माय सरप्राइज इंडिया में भी बहुत सारे रैलीज होते हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं. इवन स्कूटर्स के भी रैली होते हैं. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं भी सोचा कि मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूँगा और मे बी समडे आई विल पार्टिसिपेट इन अ रैली. सो देन यस्टरडे मुझे पता चला कि पाउलो गोंसाल्विस का डेथ हुआ है in a crash. And Paulo Goncalves is one of the best riders because wo around 13 ya fir 14 years se enduro races, motocross, supercross ye sab mein part le rahe. And you may be thinking why should I care about this person, kaun hai ye jiske bare mein mujhe janna chahiye fir farak bhi padna chahiye. So Paulo Goncalves is the part of the Hero team. डकार में इंडिया के तरफ से सिर्फ दो मोटो टीम्स है, एक है हीरो का और एक है टीवीएस का. एंड पाउलो इज द पार्ट ऑफ द हीरो टीम. एंड वन मोर थिंग कि सीएस संतोष, आप लोग अगर सीएस संतोष को जानते होंगे, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसर हियर इन इंडिया, वो भी हीरो के पार्ट है. और पाउलो गोंसाल्विस अराउंड लाइक सेवन स्टेज में उनका ये हादसा हुआ एंड सिक्स स्टेज में वो नंबर एट पे फिनिश किए थे. एंड दिस इज रियली समथिंग वेरी बिग लेवल क्योंकि मुझे जितना याद है स्टेज थ्री या फिर स्टेज फोर में उनका इंजन ब्रेक डाउन हो गया था. एंड सुनने में आया कि उन्होंने खुद से इंजन रिप्लेस किया लास्ट में और रात को वो कंप्लीट किए थे स्टेज, जो इसको और डिफिकल्ट कर देते हैं. क्रैश का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, बट दिस इज समथिंग यू शुड नो कि ऐसे बहुत कुछ है. लाइक मुझे खुद नहीं पता था कि इंडिया में रैलीज या फिर मोटोक्रॉस प्रॉपर तरह से होते हैं. मुझे इसके बारे में पता चला एंड रास्ते में सब अपने स्किल्स दिखाना चाहते हैं, बट डीप डाउन जब मैंने ये इंसिडेंट सुना ना तो मुझे वो डर बैठ गया था डेथ का. लाइक एक होता है कि ये रियलिटी है और आप इससे भाग नहीं सकते. सो स्किल इम्प्रेस करना सब ठीक है, बट ये भी आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि डेथ कभी भी आ सकता है. एंड सो आई प्रे कि हीरो टीम एक अच्छा पोजीशन में एंड करे ये डकार. एंड आई नो उनका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है एंड दिस मच मे बी अगर किसी को पसंद आए, सिर्फ मैं इसी के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं. थैंक यू.